कर रहे हैं अभी तो लाइटें सारी ऑफ कर आय मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे तो जी बच्चों के साथ यहाँ पे हमारा लंच हो रहा था क्योंकि आज मैंने बनाए थे आलू मटर और साथ में बाहर से थे, आए थे चपातियाँ आई थी तो बच्चे को साथ बस मैं यहीं पिक कर रही हूँ क्योंकि पापा खा के जा चुके थे और बच्चे को खाना नहीं था तो मैंने बैठी थी मैंने कहा चलो बैठ के खा लेते हैं तो बच्चे भी मेरे साथ बैठ गए थे मैंने कहा चलो खा लो लेकिन बच्चों को आवाज़ दे दे के मैं थक गई सिर्फ अमान ने मेरे साथ खाया और बच्चों का तो नखरब को पता ही है उसके बाद जी मैं मैं यहाँ पर वैक्सीन कार्ड देख रही थी आयत को वैक्सीन लगने थे वैक्सीनेशन जो उसको लगती हिफाजत ठीक है तो उसकी डेट देख रही थी कि कहीं डेट मुझसे मिस ना हो जाए क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि लापरवाही में क्योंकि इस बार काफ़ी लंबा गैप हुआ तो मैंने सोचा मैंने कहा चेक कर लेती हूँ क्योंकि अब फिर डिले ना हो जाए ना जब बच्चे वापस आए तो बच्चों ने मेरे आहद ने कहा कि अम्मी हाथ दिखाओ तो मैंने कहा क्यों तो कहा कि आप हाथ दिखाओ मैंने कहा अच्छा तो लो तो मैंने हाथ दिखाया तो उसने मेरे हाथों को तो चूमा तो उसने मुझे सलाम किया मैंने कहा ये क्या ये क्या है ना तो कहने लगा कि कारी साहब ने कहा है कि घर पे जाके अपनी माँ बाप का हाथ जुमा करो तो सलाम लुआ कर लिया करो उनसे दुआ सलाम वगैरह किया करो तो उसने ऐसा किया तो असल में बच्चों को ये सब की आदत नहीं ना तो करते ही वो खुद शर्मा गए थे मुझे भी हंसी सी आ गई थी क्योंकि बच्चे आ, वो अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे ना इस चीज़ से तो मैंने कहा चलो सही है कोई बच्चों को ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तो उसके बाद पापा का भी आने का इंतज़ार किया तो पापा के जब आए थे तो पापा का भी हाथ चूमा तो फिर बाद में चले जी मैं मैंने ये नेक्स्ट डे की क्लिप है तो नेक्स्ट डे में मैंने बनाई थी यहाँ पे मैं मुझे कुछ खाना तकसीम करना था काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि तकसीम करूँ लेकिन वो वक्त नहीं दे पा रहा था क्योंकि आयत की तबीयत आजकल सही नहीं थी क्योंकि सूरतमजमिल वगैरह भी मैंने पढ़ा था मैंने खुद ही घर पर दुआ वगैरह कर ली थी तो उसके लिए मैंने कुछ न्याज वग़ैरह नहीं दिलवाई थी तो मैंने सोचा तो न्याज़ भी दिलवा देती तो मैंने यहाँ पे अभी न्याज दिलवाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चिकन मंगवा लिए थे करीबन पाँच किलो के करीब चिकन मंगवा लिए थे तो मैंने कहा गरीबों में कुछ किसी में बांट दूँगी तो यहाँ पर चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ एक लीटर की तरह तेल ले लिया था और साथ ही यहाँ मैंने कुछ गर्म मसाले वगैरह जिसमें मैंने लिया है शाही ज़ीरा लिया था एक टेबल स्पून काली मिर्च ले लिया था आ, हरी इलायची ले, ले, ले लिया पात ले लिया था दो तीन चार से पाँच मैंने बड़ी इलायची ले ली थी और उसके साथ लौंगे भी ले ली थी कुछ बादन के फूल्स भी लिए थे उसके इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे तेल में डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा कड़कड़ा जाए जब ये कटकड़ा जाएंगे उसके बाद मैं जाके इसमें प्याज डाल दूँगी तो पकाना था मुझे इसके पापा कह रहे थे मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ मैंने कहा नहीं मुझे बस सिंपल ही करना ज़्यादा बड़ा नहीं करना था मुझे बस इतना कर दूँ कि मैं आ, किसी बच्चों को खिला दूँ या किसी तो बच्चे तो यहाँ पे कर... किसको बुलाऊं घर पे तो कोई आना से रहा तो मैंने सोचा कि चलो बिल्डिंग में बांट देते तो इसके पापा पाँच किलो गोश्त ले आए थे वो कह रहे थे दस किलो मैंने कहा नहीं इतना बड़ा मुझसे होगा नहीं इतना बड़ा खाना मैंने कभी तैयार नहीं किया था और गाय का कह रहे थे एक तो आजकल गैस का बड़ा मसला है तो खाना बनाने में मसला नहीं है किसी न किसी तरह बनी जाता है अल्लाह का शुक्र है बड़े खाने से घबराने घबराती नहीं है लेकिन जब कोई चीज़ किसी के लिए तैयार करना हो तो ज़ाहिर सी बात है अच्छा ही तैयार करना होता है जब आप किसी के लिए कोई चीज़ करो और वो अच्छा ना बने तो आपको बड़ा तकलीफ़ होता है और आपको अंदर ही अंदर वो चीज़ खाता है मेरे साथ वैसा तो बहुत होता है कि उसको अच्छा नहीं लगा उसको अच्छा नहीं लगा पसंद नहीं आया तो ये ऐसा करते मैंने कहा तो चलो पाँच किलो काफ़ी है तो साथ में रोटियाँ रखी थी तो मैंने कहा था रोटियाँ भी बना देती हूँ फिर वो मना कर रहे थे कि इतनी सारी रोटियाँ कैसे बनाओगे वो चपातियाँ ले आए थे बाद में तो चिकन वगैरह यहाँ पे चिकन मैंने डालना था उसके साथ ही बड़े बड़े एहतियात से मैंने चिकन को मैंने दो के पहले रख लिया था चन्नी में उसका सारा पानी ड्रेन हो चुका था उसके बाद उसको मैंने तेल में कुछ देर के लिए उसको फ्राई किया खाली ही ऐसी ही गरम मसाले के साथ उसके बाद मैंने एक प्याली भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया अब इसके साथ मैं इसको थोड़ी देर बनूँ भूनूँगी तो चम्मच यहाँ पर मैं बड़ी एहतियात से चला रही हूँ क्योंकि चिकन है तो टूटने का बड़ा ख़तरा होता है और मुझे ये चम्मच भी थोड़ा सा रिस्की लग रहा था मैंने सोचा चम्मच चेंज कर दूँगी तो कर दूँगी थोड़ी देर बाद तो उसके बाद मैंने पतीली भी चेंज कर दी क्योंकि हिलाने में बड़ा मुश्किल आ रहा था वो पतीला बड़ा ही था लेकिन चिकन के हवाले से थोड़ा तंग हो रहा था तो मैंने वो वो पतीला भी चेंज कर दिया था तो मैंने पहले एक एक लीटर तेल में पहले प्याज तलने के लिए रख लिया था उसको ब्राउन करने के लिए तो काफ़ी लेट हो रहा था क्योंकि गैस भी बहुत कम था तो फ़्राइडे का दिन था तो मैंने क्या किया उसको क्या क्या दूसरे पतीले में शिफ्ट कर दिया था तो वो दूसरे पतीले में वहाँ पे उसका प्याज जो है ब्राउन हो रहा है तो यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाले लिए थे गरम मसौरी गरम मसाले नहीं मैंने मसाले लिए थे यहाँ पे करीबन बारह टेबल स्पून की तरह मैंने धनिया पाउडर लिया था दो चब टेबल स्पून जो यहाँ पर मैंने ल, रेड मिर्च ले ली थी और जो कश्मीरी मिर्च है वो मैंने दो टेबल स्पून की तरह ले लिया था अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी चम्मच को बड़े एहतियात से चलाऊँगी तो ये जो क्लिप मैंने काफ़ी दिनों पहले मैंने असल में मैंने फ्राइडे को ये क्लिप मैंने ली थी लेकिन कि ये अपलोड नहीं हो पाई मेरे कुछ मसले आ रहे थे नेट के साथ तो बड़ी मुश्किलों से मैंने काफ़ी कोशिशों की लेकिन नहीं हो पा तो मेरा जो वीडियो जो जिससे मैं एडिट करती हूँ का इन मास्टर का जो दूसरा था वो भी मुझसे मिस हो गया तो मैंने दोबारा से इंस्टॉल किया तो दोबारा से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बड़ा तंग हो गई थी मैं तो वॉइस ओवर करते हुए कभी कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है क्योंकि लाइव लाइव शूट करो तो अच्छी होती है लेकिन फिर खैर जो भी हो चुका था तो अभी यहाँ पे मैं फ़िलहाल केवड़ा जो एसेंस होती है हो वो मैं एक टेबल स्पून के करीब डाल दूँगी और जो दही दाल दाल है मैंने करीबन डेढ़ किलो के करीब लाया था इसका मैं आधा डालूँगी और आधा मैं बचा लूँगी बाद के लिए तो दही डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पकाऊँगी और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे ले मुझे लगता है चम्मच मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि चिकन है ना थोड़ा सा एहतियात से हमें पलटना है उनको तो हम अच्छे से भून लेंगे और यहाँ पे मैंने लिया कुछ खुशबू के लिए मसाले तो यहाँ पे एक मैंने ले लिया यहाँ पे जायफल और कुछ दस से पंद्रह यहाँ पे मैंने लिया है हरी इलायची और यहाँ पे जावित्री ले लिया और साथ में यहाँ पे मैंने ले लिया है आ, क्या कहते हैं उसको क्या दालचीनी का पौ टुकड़ा सही है इनको मैं अच्छे से पीस लूँगी और मैंने कुछ बादाम लिया है बच्चों को पीसने के लिए दिया साफ़ करने के लिए दिया उसको मैं अच्छे से पीस लूँगी उसको ग्राइंड कर लूँ उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ तो यहाँ पे मैंने दही और बचा हुआ दही और मैंने प्याज जो है उसको डाल दिया तली हुए प्याज अब मैं इसमें दो चम्मच यहाँ पे डालूंगी पिसा हुआ नारियल और जी यहाँ पे बादाम है और कुछ बादाम के छिलके मैंने ऐसे डाल दिए कुछ छिलके डाले क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था कोई मसला नहीं अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी और उसको मैं अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी साथ में इसमें दो चम्मच मैं यहाँ पर नारियल का ये बुरादा डाल दूँगी तो जो यहाँ पे जो ड्राई वाले मसाले थे जो मैंने खुशबू के लिए थे वो और जो दही वाला पेस्ट था प्याज वग़ैरह सब कुछ इसमें मैंने मिक्स कर लिया इसके साथ ही मैंने केवड़ा एसेंस का एक और चम्मच इसमें डाला था और दो टेबल स्पून की तरह मैंने गर्म मसाला पाउडर डाल दिया था दही में मैंने मिक्स कर लिया था मैंने कहा अलग अलग झंझट करने की ज़रूरत थी टाइम भी बहुत शॉर्ट है मैंने सबको साथ ही मिक्स करके उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था अब इसको मैं बड़े एहतियात से इसको मिक्स करूँगी साथ ही जो बॉल है उसमें मसाले लगे हुए उसको मैं थोड़ा सा पानी से खंगाल के और उसको भी मैं डाल दूँगी क्योंकि पानी ही हमें इतना रखना है जितना हमें उसका ग्रेवी आखिर में बचाना है तो उसमें थोड़ा सा पानी में और डालूँगी ताकि अच्छे से थोड़ा पक जाए ना तो अभी मैं बड़ी एहतियात से इसको चला रही हूँ चम्मच मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया वो लकड़ी वाला चम्मच था वैसे तो वो मज़बूत था लेकिन ना मुझे जैसे ये चम्मच ना नीचे से गुजरता हुआ जा रहा था वो लड़के ये वाला वो वाला चम्मच थोड़ा मुश्किल हो रहा था अब मैंने ये चम्मच चेंज नमक कर लिया अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाली और नमक भी मैंने पहले नहीं डाला था अब मैं नमक डाल रही लूँ थोड़ा सा अपने हिसाब से जायके के हिसाब से डाल रही ली तो यहाँ पे जो दूसरे पतीले में इसी ये जो ये वही वाला ऑयल है जो मैंने तेल प्याज तलने के लिए डाला था आप साइडों से देख भी सकते हो तो यहाँ पे जो तेल था प्याज मैंने तल के निकाल लिया था अब मैंने दूसरा प्याज डाल दिया था Uh, करीबन डेढ़ किलो प्याज उसमें गया था कोरमा में अब दूसरा जो अब बचा हुआ प्याज है वो मैं यहाँ पे डाली तो ये मैं दूसरा डिश बना रही हूँ यहाँ पे मैं चना बना रही हूँ काले जो छोले होते वो मैं बना रही तो दोनों ये डिश मुझे बनानी थी तो ये इसका करीबन सवा किलो के करीब होगा छोले तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्याज जो है करीब आधे किलो से एक पाव जितना डाला था और काटा था मैंने ज़्यादा थोड़ा एक पाव थोड़ा बचा लिया था और इसके बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई करके उसके बाद इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और मैंने डाल दिया टमाटर वगैरह जो कटे हुए थे करीबन दो से तीन टमाटरों के बड़े बड़े वो मैंने डाल दिए थे अब जो मैंने मसाले यहाँ पे लिए उसमें मैंने लिया है आमचूर पाउडर लिया है और लिया है हल्दी लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और गर्म मसाला साथ ही मैंने लिया है थोड़ा कुटी हुई मिर्च और चाइनीज़ सॉल्ट मैं बाद में आखिर में डालूँगी उस सबको अच्छे से मैं मिक्स करके इसमें डाल दूँगी यहाँ पर नमक भी मैंने शामिल कर दिया इसके साथ ही तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी तो मेरा इरादा था मैं जल्दी जल्दी झटपट जल्द ढिल जल्द में कर लूँ तो लेकिन ना फिर वो आजकल गैस का बड़ा मसला होता तो ये एक हाथ में आप ये सब चीज़ें कर नहीं पाते ऊपर से बच्चे लेके तो थोड़ा करते करते मुझे करीबन दो बजे के दो या ढाई बजे करीब मैं स्टार्ट हो गई थी बना पकाना तो चने जो है मैंने रात को ही भिगो दिए थे वो मैंने क्लिप शूट नहीं किया और सुबह जो चने जो मैं सुबह को ही बॉईल कर लिया था तो इसी वजह से मेरे मुझे थोड़ी आसानी सी हो गई थी अब जो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा शान का मसाला डाल रही हूँ शान में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अचार मसाला अचार गोश्त मसाला तो मुझे थोड़ा सा चने में अचारी टेस्ट चाहिए था मुझे अच्छा लगता था मैंने कहा थोड़ा सा फ्लेवर फ्लेवर में थोड़ा चेंजेस आते हैं तो मैं थोड़ा सा वो मैं डाल दूँगी ताकि सिर्फ फ्लेवर के लिए डालूँगी खुशबू के लिए अब मैं इसको थोड़ा डाल के थोड़ा सा कुछ देर के लिए इसको पकाऊंगी 妈妈。 तो इसमें मैंने कुछ कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी थी बीच में से चीरा लगा के क्योंकि हरी मिर्ची जो मेरे पास थी ना वो छोटी वाली थी तो उसको मैं बीच से बस थोड़ा थोड़ा कट लगा के क्योंकि बच्चों को खानी थी और इसमें मैंने कुछ जो कश्मीरी लाल मिर्च वो एक चम्मच की तरह डाल दिया मैंने थोड़ा सा कलर के लिए क्योंकि ना ये जाहिर सी बात है कि ब्लैक छोले होते काले वाले होते इसमें कलर थोड़ा सा निखर के आना चाहिए था आलू तो मैं डाल ही नहीं थी नहीं तो आलू से ही काफ़ी फ़र्क आ जाता तो और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक करीबन एक चम्मच जितना गरम मसाला पिसा हुआ गर्म मसाला वो भी मैंने डाल दिया चाइनीज़ सॉल्ट भी मैंने डाला था तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो यहाँ पे अभी आपको जो छोले मैंने उसको डाल दिया था बॉईल वाले छोले उसके साथ जो पानी था वो मैं पानी के साथ ही मैंने डाल दिया था अब इसमें जो बॉईल होने उसके बाद बॉयल होकर जितना बचेगा मैं उसके बाद उसको रख लूँगी शोरबा जब गाढ़ा हो जाएगा तो मेरा खाना यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका था माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था सबके पूरे भी हो गए थे मैं डर रही थी कि अल्लाह अल्लाह करके कि सबको पूरा हो जाए अल्लाह का शुक्र है सबको पूरा हो गया लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि एक बचा रहे दूसरा नहीं दूसरे को नहीं मिले तो सबको बराबर हो गया था और जो बर्तन थे यहाँ पर पतीले इस वजह से ज़्यादा हो गए क्योंकि एक से एक दूसरे में मैंने शिफ्ट कर लिया था उसके बाद बच्चे भी मदरसे की तरफ बाकी बच्चे ने सबको बाँट दिया था सब चीज़ें जो रोटियाँ वगैरह सब चीज़ें भी मैंने बाँट दी थी वो चीज़ मैंने क्लिप शूट नहीं किया था क्योंकि आयत बीच में गिर गई थी तो उसको संभालना फिर सब चीज़ें बांटना अकेले तो ये सब ना बड़ा मुश्किल कर रहा था मैंने उसका शूट नहीं किया बच्चे जाने के बाद मैंने किचन की सफाई भी कर ली जो ब्लेंडर वगैरह सब कुछ मैंने धो के उलट के रख लिया था बड़ी जो पतीले वो मैं धो लूँगी उसके बाद किचन की मैं क्लिनिंग कर लूँगी बच्चों को मैंने भेजा था कि जाके दूध ले आया तो दूध खत्म हो चुका था पापा के साथ गए थे वो आते हुए ले आएंगे तो यहाँ पर जो सालान थोड़ा सा बचा हुआ था ये मैंने रखा था कि अगर बच्चे मांगे ना तो थोड़े से बचे हुए थे तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा आया था इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था तो इंसान हिम्मत करे ना हर चीज़ कर लेता है बस आप लोग की थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करा करें और वीडियोस अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया जाए कॉमेंट भी अच्छे से कर दीजिए तो आपके कॉमेंट से मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है मुझे पता है मैं शायद अच्छा नहीं बना रही लेकिन अगर आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं अच्छा कर लूँ तो बस कभी कभी ना दिल बिल्कुल खट्टा सा हो जाता है कि अब नहीं करती बस ख़त्म कर दूँ ये सब चीज़ें लेकिन फिर दिल में थोड़ा से उम्मीद सी आ जाती है कि एक और बार एक और बार करती हूँ प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ को वॉच करा करें और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करा करें तो यहाँ पर मेथी मैं साफ़ कर रही हूँ अगले दिन है तो मेथी आई थी मेथी मेथी में आपको पता है कितना ज़्यादा गंद होता है मिट्टी होती है उसको साफ़ करना पड़ता है काफ़ी वक्त लगता है तो मैं आयत को लेकर यहाँ पर कर रही हूँ और आयत यहाँ पर अपना हाथ सारा ख़राब कर रही है तो मैं आज इसको साफ़ करके कर रख लूँगी थोड़ा सा शायद मैं पका लूँगी नहीं तो फिर मैं कल अगले दिन पकाऊँगी तो इसको मैं तोड़ के उसके बाद वॉश करके रख दूँगी इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी आई थी आप देख सकते हैं कितने गुच्छे भर की मिट्टी आई थी तो सब्जियों को मुझे पता नहीं कि सब्जी कौन सा अभी आ चुका है क्योंकि सब्ज़ियाँ ना इसके पापा ही लाते हैं तो वो सब मुझे आइडिया नहीं कि मौसम के सब्ज़ियाँ कौन से आ रहे हैं कौन से जा रहे हैं क्योंकि मैं बाजार इतना जाती नहीं मार्केट में इतना मुझे जाना नहीं होता सब कुछ ही ला देते ज़रूरत की चीज़ें बस आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर